और भजन गा लो हरे कृष्ण प्रभु जी और भजन और भजन गा लो किशोरी ना तो जो इतना तो पीजो इतना तो पीजो
आरती। अब लोग थोड़े खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। Thank you.
पीछे वाला लो प्रभु जी हो गया हो गया डर लगा दो उधर नहीं लगाना पीछे ले जाओ पीछे क्या वाला पीछे ऊपर वाला क्या करो अंदर उंगली जाके अंदर ठीक सब 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 बैठ जाओ तो सटर कर बैठो थोड़ा इस तरफ खींच कर बैठो पीछे 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 एकदम इधर इधर लग कर पूरा इधर उधर ध्यान मत इधर बैठो इधर बैठो हरे कृष्णा सब सब आगे आगे बैठो अरे भैया कहाँ गए हाँ सब 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 शरीर पे लगा लगा कर बैठो ओ मैं ज्ञान तिमिरांधस्य थोड़ा शांत तेज करो ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय आगे आगे बैठो कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांशाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुस्ते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य कीर्तासिकामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठाकर बोलो
बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत मुखी जय सचिनंदन गौर हरि की जय। बोले श्री गुरुपाद पद्म की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। हम सबके सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए और ये पितृपक्ष चल रहा है, ये पूर्वजों का पितृपक्ष चल रहा है। विशेष करके पितृपक्ष में हम ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। इसलिए श्री गुरु जी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम को हम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में मदद करने वाले कोई लोग हो जो काम को हम कर सकते हैं, जगत में ऐसे कुछ काम है अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं अगर तुम्हारी मन का बल हो ना, अरे करो ना देखा जाएगा क्या होगा। हम बोलते ना आगे सब देखा जाएगा कर, इसलिए जिसको पास में मन की बल होता है जो काम कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ बल है कहते ये आत्मा बल है। जगत में ऐसे कुछ काम है अगर हमारे पास में आत्मा बल हो जब काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत कथा रखवाना और भागवत कथा सुनाना गुरु जी कहते हैं न तो कोई पैसा की बल पर कर सकता, न तो कोई जान का बल पर कर सकते, न तो कोई मन के बल पर कर सकते हैं, न तो कोई आत्मा के बल पर कर सकते हैं। जब तक गुरु जी की कृपा बल नहीं हो, जब तक श्री बांके बिहार जी की कृपा बल नहीं हो, कहते ये भागवत कथा को कोई सुन भी नहीं सकते हैं और ये भागवत कथा कोई रख नहीं सकते हैं। लेकिन देखना कितने कितने लोगों कितने बीमारी में कितना पैसा चली जाती है, कितना कोर्ट कचहरी में कितने पैसा चली जाती है, लेकिन भागवत कौन कथा रखवाते, कोई नहीं रखवाते। क्योंकि ठाकुर जी की कृपा बल नहीं होना ये कथा को इतने आसानी नहीं कथा को कोई रखवा सकते हैं। विशेष करके कहते अपना घर में भागवत कथा हो ये तो बड़े भाग्य की बात है, किसी घर में ये भागवत कथा हो बड़ी भाग्य की बात है। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुकादर कथा प्रसंग। बोले जिनके घर में ये भागवत कथा हो, ध्यान देकर सुना, कहते पृथ्वी के जितने सारे तीर्थ है उस घर में बैठ जाते हैं। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। कितने तीर्थ है? बोले 1 अरब होता है 100 करोड़। 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ उसी घर में आकर के निवास करते हैं। जिसकी घर में ये भागवत कथा हो जाए। इसलिए एक समय कोई एक संत ये कथा कर रहे थे, उसमें एक संत बैठ करके कथा सुन रहे थे। वो संत थोड़ा भावुक थे। अब ये कथा सुनते सुनते भाव में इतने विहोर हो गए, सबके सब कथा विश्राम हो गया, सबके सब चले गए, लेकिन ये संत जहाँ के तहाँ बैठे रहे।
जब उनकी आंख खुली उन्होंने क्या आश्चर्य घटना देखा। बोले क्या देखा? बोले कि काला घोड़ा कहीं से भागते भागते आया और जहां पर ये कथा हो रही थी ना वहीं पर जमीन के ऊपर में वो लोट पोट उठाने लग गया और खाते खाते वो जो एकदम काला रंग का था देखते 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 तो सोना बन गया, चमचमाते लग लग गया। ये संत समझ गए ये घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं। तो उन्होंने पूछा भैया आप कौन हो? बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। अब नाम सुने प्रयाग की कि जितने सारे तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग, जहाँ पर इलाहाबाद गए कि नहीं, कौन कौन प्रयाग में गए हो? जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी जहाँ पर एकत्रित हुई है प्रयाग, इसे तीर्थराज कहते हैं। देखो प्रयाग तो मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। पहले मैंने देखा पहले आपका शरीर काला था और यहाँ लोट पोटू खाते खाते सोने जैसे बन गए, इसका मतलब क्या है? बोले जितने पापी सब आकर के प्रयाग में स्नान करते हैं और सारे पाप को यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। बोले यहाँ पर आप लोट पोटू पर क्यों खा रहे? बोले थोड़ी देर पहले यहाँ भागवत कथा हो रही थी ना, इसलिए जिस स्थान पर ये भागवत कथा हो वो स्थान पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर बैठ जाते हैं, वो स्थान अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मैं ढूंढता फिरता हूँ कहाँ पर ये भागवत कथा हो रही है और वहीं पर जाकर के मैं जब लौट पोट उठाता हूँ मेरे शरीर का सारे पाप निकल जाती, फिर मैं दूसरों को पाप को फिर मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए जिनकी घर में ये भागवत कथा हो हमारे से संकुत शकुतला देवी है कि नहीं? शकुतला देवी यहाँ पर है यहाँ पर, इसलिए कहते इनकी घर में आज ये भागवत कथा हो रही है। और तुम्हारी सब बेटियां कहाँ गई? सबके सब तुम्हारी बेटियां है कि नहीं सब? इसलिए बड़े भाग्य से ये श्रीमद् भागवत कथा, बड़े भाग्य से कोई ये कथा को रखवाते हैं और बड़े भाग्य से ये कथा को कोई श्रवण करते हैं। एक बार भागवत की जयकार दो। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। कोई जय कोई है बोल रहे हो? और जोर से बोलो, जो जितने जोर से भागवत को जय देगा ना, भागवत का तो जयकार है ही है, क्योंकि जो जितने जोर से जय देगा उतना तुम्हारी पाप खत्म होगी और उतना तुम्हें भक्ति प्रेम मिलेगी। जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। हाँ अभी लग रहा है जयकार में तो इतना है, इसलिए कहते ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, कहते भैया ये कथा की इतने महिमा क्यों है? कहते ये भागवत है क्या जी जिसकी इतने महिमा? बोले तमादि देवम करुणा निदानम तमाल वर्णम श्रुतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम करता भजामहि भागवतम स्वरूपम। कहते जो श्रीमद् भागवत है, बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके अपना दिव्य धाम में जा रहे थे वहाँ पर उद्धव जी थे। बोले प्रभु आप तो ये संसार छोड़ करके जा रहे हो, हम तो सारा जीवन आपके साथ में रहे, अभी बताओ अभी हम अपना जीवन को कैसे व्यतीत करें, हम किसको आश्रय ग्रहण करें? कृष्ण बोले उद्धव कोई चिंता मत करो, मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलियुग में मैं दूसरे स्वरूप में भी रहूँगा। बोले प्रभु कलियुग में आप किस रूप में रहोगे? भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। बोले मैंने ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है तो जो अक्षर रूप में वाणी रूप में कहते मैं कलियुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में जगत में रहूंगा। जो व्यक्ति ये कलियुग में ये भागवत कथा श्रवण करेगा, बोले मेरे से मिलना कथा सुनने में कोई फर्क नहीं। आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो, साक्षात बांके बिहारी से मिल रहे हो। भगवान खुद कहते हैं मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जब नारदी बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, कहाँ मिलोगे? भगवान का दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं योगियों का हृदय में, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हो?
भक्ता जत्र गायती, जहाँ पर मेरे भक्तगण बैठ करके ये भागवत कथा सुनते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं, वहीं पर ही मैं निवास करता हूँ। इसलिए कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगते, जब भगवान जगत से चले गए, ये घोर कलयुग आया, जिस कलयुग में लोग केवल पापी पापी कर्म करते हैं, बोले प्राप्ते कलयुगे घोरा नरा पुण्य विवर्जिता। जब घोर कलयुग आएगा क्या होगा, लोग धर्म कर्म कुछ नहीं करेंगे, सारे पाप कर्म करेंगे। बोले दुराचार रता सर्वे, सब दुराचार भ्रष्टाचार करेंगे, झूठ नहीं मानी, कलह भाई भाई में नहीं बनेगी, बहू बहू में नहीं बनेगी, बहन बहनी में नहीं बनेगी, अड़ोसी पड़ोसी से नहीं बनेगी, ऑफिस में काम करने के लिए वहां लड़ाई, देश देश में लड़ाई, कलह छोड़कर कुछ नहीं होगा कलयुग में। इसलिए नरा पुण्य विवर्जिता, सारे पुण्य धर्म कर्म से विमुख हो जाएंगे, सब शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, हाँ जुआ खेलेंगे, सारे पाप कर्म करेंगे। इसलिए दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परामृत, कोई सच नहीं बोलेगा, सब झूठ को झूठ बोलेंगे ये कलयुग में हैं। इसलिए बोले प्रभु जी का कल्याण कैसे होगा, बोले उसी समय में भगवान कहते हैं मैं ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रूपी सूरज रूप में प्रकट होऊंगा। जैसे सूरज उदय होने पर क्या होता है, सारे अंधकार दूर हो जाता है, यदि ये भागवत ग्रंथ रूपी ये सूरज जब कलयुग में अवतीर्ण हुए, जगत का सारे अंधकार दूर हो जाएगा। बोले श्रीमद भागवत कथा अमृतम की, और ये कथा को जो सुनेगा उसका हृदय में भी भगवान कान के माध्यम में हृदय में जाएंगे, जब तुम्हारी हृदय में जाएंगे ना, तुम्हारी हृदय के अंधकार भी हमारी दूर हो जाएगी। इसलिए बोले ये जो श्रीमद भागवत कथा है, बोले तमादि देवम करुणा निधान, कहते ये भागवत क्या है, बोले जितने ग्रंथ सम्राट है, जैसे कोई राजा जब चलते हैं क्या होता है, उसको सर में कोई छत्र धारण करते हैं, कोई चामर भजन करते हैं, और जितने चेले सबके सब पीछे पीछे चलते हैं। यदि ये श्रीमद भागवत ग्रंथ जब चलते हैं, जितने पुराण हैं, कहते और 17 पुराण हैं, ये सारे के सारे पुराण कोई भागवत ग्रंथ में ऊपर में कोई छत्र धारण करते हैं, कोई चामर भजन करते हैं, कोई पादुका ले चलते हैं, कोई उनकी स्तुति करते हैं। इसलिए जो श्रीमद भागवत ग्रंथ कहते तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्, अगर ये भागवत कथा रस को कोई पान कर लेना, उसको और कोई रस पीने का उसको कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, सारे रस की श्रीमद भागवत ग्रंथ में ही सारे रस विद्यमान है। कहते अपार संसार समुद्र से तो, अगर ये संसार रूपी समुद्र से कोई पार होना चाहते हैं, संसार रूपी समुद्र मतलब क्या है, कि संसार दुखमय है, कोई तन से दुखी होंगे, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी दुखी दुखी, कहते अगर ये भागवत कथा तो श्रवण करेगा, सारे दुख कष्ट से तुम निकल जाओगे, और ये भवसागर से पार होकर के चलते चलते ये भवसागर को पार होकर के श्री ठाकुर जी के चरण में पहुंच जाओगे। इसलिए ये भागवत ग्रंथ नहीं, कहते ये कद क्या है, बोले पादौ जदियौ प्रथम द्वितीयौ, कहते भागवत में ये द्वादश स्कंध की भागवत है, 12 खंड है, जो प्रथम द्वितीय स्कंध ठाकुर का 2 चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध भगवान की 2 उरु है, पंचम स्कंध भगवान की नाभि कमल, षष्ठ सप्तम भगवान की 2 भुजाएं हैं, अष्टम स्कंध बक्ष्य स्थल, नवम स्कंध कंठ, दसम स्कंध भागवत, और एकादश स्कंध ललाट, और दसम द्वादश स्कंध भगवान का सर। अतः ये भागवत नहीं, ये भगवान स्वयं कृष्ण बांके बिहारी ही ये कलयुग में ये भागवत रूप में आए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती, जगत में सब चीज दुर्लभ है, लेकिन पार्वती जगत में ये भागवत कथा बड़ा दुर्लभ है। क्या दुर्लभ जगत में,
यदि ये भागवत कथा पार्वती जगत में दुर्लभ है, इसलिए क्या कहते हैं, बोले सतसंगति। सब पीछे पीछे ताली बजाते बजाते बोलना, ठीक है। हिंदी समझ में आती है आप लोगों को? किसको किसको हिंदी आती है? सबका आती है, इसलिए सबके सब पीछे ताली बजाते हुए बोलना। माइकी वाला भैया थोड़ी सी इसको तेज कर सकता, थोड़ी सी उठा कर बोले सतसंगति शंकर जी कहते हैं पार्वती ये जो श्रीमद् भागवत कथा है जगत में बड़ा दुर्लभ है। बोले दुर्लभ कहाँ है? देखो अभी कथा हो रही है कि नहीं, कथा हो रही है ना। बोले भैया हमारे घर में कथा हो, भक्त लोग आए यहाँ पर कथा हो रही है, इन्होंने साथ गली गलियों में जा करके बोले होंगे भैया कथा हो रही है। इसका आवाज़ तुमको ठीक से नहीं आता, इसका आवाज़ हमें ये आ रहे इसलिए कि देखो गली गलियों में घर घर में तुम जाओ उधर ठीक कर दो जाओ। इसलिए गली गलियों में घर घर में इन्होंने बोले होंगे हमारे घर में ये भागवत कथा हो रही है, आप लोग कथा सुनने के लिए। बोले कि नहीं घर घर में बोले है? कहते आप कह रहे हो ये भागवत कथा दुर्लभ है, दुर्लभ कहा तो सुलभ हो गया। लेकिन ये शंकर जी कहते पार्वती बोले आप सर अति कठिनाए आव गई सर अति कठिनाए आव गई सर अति कठिनाए आव गई सर अति आई ना जाए
इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अगर किसको भागवत कथा में बुलाओ ना कोई नहीं आएगा कथा में, लेकिन अगर पता चले शादी हो रही है और चकमाल खाना मिलेगा, अगर पता चले यहाँ पर अमुक हीरो आ रहा है, अमिताभ बच्चन तुम्हारी गली में आ रहा है, हैं? नहीं तो शाहरुख खान आएगा, हेमा मालिनी आएगी, अगर पता चलेगा तो बताओ कितने लोग आएंगे, बोलो कितना लोग आ जाएंगे। देखो पहले हाथ उठ गया, पहले तो आपको प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी तुमको, हैं? इसलिए प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अगर किसको बोले ना भगवान की कथा भागवत कथा हो रही है, कितने बहाना करेंगे, अरे ये काम पड़ गया था उसको घर में वहाँ जाने का था, वहाँ पर कोई काम आ गया, पता नहीं कितने बहाना बनाएंगे, लेकिन कोई हीरो हीरोइन आ जाए ना बहाना नहीं, सारे काम को पीछे रख करके वो भागते भागते सबके सब आएंगे। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती हैं बड़े भाग्य से कोई भागवत कथा में कोई आते हैं। इतने में पार्वती ने पूछा बच्चों इधर मत बुलाएगा, तुम बुला कर पीछे कर बोलिए। इसलिए यहाँ पर माता पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु कर ये भागवत कथा में कौन कौन ये भागवत कथा में आते हैं। तब शंकर जी कहते हैं पार्वती बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही यह संगत सोई, जिसको पर में ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए पार्वती वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा में आएगा। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे तुम्हारे घर में कोई शादी हो रही है, अब बताओ ये शादी में कौन आएगा, आप जिसको निमंत्रण दो वही आएगा ना। अगर कोई अमेरिका में लंदन फ्रांस में हो, अगर तुमने नौता दोगे देखना उतना दूर से आएगा, लेकिन अगर घर के पास में कोई व्यक्ति रह रहा है, 9 इंची दीवार को पास में किसका घर है, लेकिन तुमने उसको नौता नहीं तो घर में आएगा क्या, वो नहीं आएगा, क्यों आप उसको नौता नहीं दिए बुलाए नहीं। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती ये भागवत कथा में कौन आएगा, बोले जिसको बाक्य बिहारी ने नौता दिया है। क्या दिया है, जिसको बाक्य बिहारी ने नौता दिया है बुलाया है वही आएंगे, हैं? इसलिए यहाँ पर जब भगवान कृष्ण बंसी बट को नीचे खड़े होकर बंसी बजाए, वृंदावन में कितने लोग थे बताओ, कितने सखा कितने उनकी परिवार कितने लोग थे, लेकिन वहां पर क्या सभी आए, सभी नहीं आए, क्यों नहीं आए, बोले कृष्ण जिनको बुलाना चाहते थे वही आए। कृष्ण किसको बुला रहे थे, ब्रज गोपियों को बुला रहे थे, इसलिए के बोले यही गोपियां आई। और भगवान क्या कहते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा, जब ये आए भगवान उनको स्वागत किया है, इसका मतलब है यहाँ पर तो भागवत रूपी बंसुरी कन्याएं बजाए, लेकिन सबको कान में नहीं गई, किसको किसको कान में गई, तुम लोगों को कान में गई, कृष्ण जिन गोपियों को बुलाना चाह रहे थे वही गोपियां आई, वही गोपी यहाँ पर आए। मानो ठाकुर जी जो रास में आए ना, ठाकुर जी सबको स्वागत किया, मतलब है जो व्यक्ति ये भागवत कथा में आते हैं ठाकुर जी सबको स्वागत करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राम। हमारे बीच में श्री अनुपम प्रभु जी और जीत प्रभु, अनुपम आज है यहाँ पर, प्रभु जी आपको थोड़ी सी आपको ये भागवत की महिमा थोड़ी सी आपको सुनाएंगे, माइक लेके खड़े हो जाए, उनको एक माइक दे दो तो एक बार हाथ उठा करके सबके सब बोला, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोले श्रीमद भागवत कथा मृता मती जय माइक सब तेज कर दो थोड़ी सी, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि कृष्ण ओम ज्ञान तिरंगस्य ज्ञानं शलाकय तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय सदादये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय स्तुतिभक्ताय नमो नमः।
नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्तिवेदान्त श्रीभक्तिनाम्ने वाञ्छाकल्पचतुर्भ्यश्च कृपासिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः समाधिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं त्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौरवृंदवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद को ओम विष्णुपाद अष्टदशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अंकन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टदशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत अंकन करता हूँ। समस्त रूपानुभव आचार्यवृंद उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तवृंद मातावृंद सभी के चरणों में यथाजी दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम लोगों का जिस प्रकार हम श्री गुरु महाराज जी से सुन रहे हैं कि हम लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है क्योंकि श्री ठाकुर जी के कथाओं को विशेष करके श्रीमद् भागवतों के कथाओं को श्रवण करने की बड़े शुभ अवसर प्राप्त हुई है। भागवत में एक श्लोक कहा गया है कि भवाप वर्ग भ्रमतो यदा जनस्य हतरी अचत्य सत्य समागो सत्संगम तदैव सदगतो पर बरस्य त्वयि मम जायते रति। इस श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी पाद जी ये साधु संघ की महिमा भगवत कथा की महिमा बड़े भूरी भूरी प्रशंसा में उन्होंने बड़े सत्य सत्य कंठ होकर गा रहे हैं। करें भवापो वर्ग भ्रमत्व यदा जनस्य तरी अचित्त सत्य समागम कि तभी हमारा बड़ा सौभाग्य हम कहते हैं कि आज मेरे घर में ये हो गया आज मेरे घर में मेरी नौकरी लग गई ये सब हम सौभाग्य मानते हैं परंतु वास्तविकता वही सौभाग्य है जिस दिन हमें अगर कोई सुकृति पूर्व सुकृति के अनुसार अगर कोई साधु संघ मिल जाए और साधु संघ में क्या होता है ना साधु संघ में भगवान की कथा होती है इसलिए कहते हैं भवापो वर्ग भ्रमतो यदा जनस्य तरी अचुत समाग अर्थात जब ये अचुत सत्य समागम अर्थात अचुत के भगवान अचुत के जो भक्त हैं उनकी जब सत्य समागम उनके जब समागम हो जाता है जब भक्तों के सानिध्य मिल जाता है तब क्या होता ना इस संसार में पुनः पुनः ये जो भाव अर्थात पुनः पुनः भवती भाव अर्थात यहाँ पर पुनः क्या करना पड़ता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार जन्म लो फिर मृत्यु और विभिन्न प्रकार की बीमारियों इदम शरीरम सत्य संधि जर्जरम पतति अवसम परिणाम कैसलम ये शरीर कैसा है ना सत्य सत्य गांठों से जर्जरती है आज ये बीमारी कालू बीमारी कालू बीमारी। तो इस प्रकार ये जो संसार है यहाँ पर पुनः पुनः अर्थात पुनः पुनः भव अर्थात इसको इसलिए भव कहते हैं कि यहाँ पर पुनः पुनः हमें आना पड़ता है और जब सत्य समागम अर्थात जब संतों के समागम हो जाता है जब भगवान कोई भक्त का समागम हो जाता तब क्या होता ना जीव की यह जो संसार की गति ये जो पुनः यहाँ पर आना नाना प्रकार के क्लेशों का उद्भव ना ये समाप्त हो जाता है इसीलिए ये बड़ा ही सौभाग्य कहा गया। और श्रीमद् भागवतम ऐसे एक ग्रंथ है जो कि श्री व्यासदेव जी के शिष्य कृत है। श्री व्यासदेव जी ने सर्वप्रथम वेदों का रचना किया। वेद कैसे है ना कहते हैं वेद परोक्ष बाधा पालनम अनुशासनम अर्थात वेद कैसा है वेद परोक्ष बाधा अर्थात वेद में शब्दार्थ कुछ अलग है और उसका भावार्थ कुछ अलग है परोक्ष रूप में इसलिए वेद को भी समझना बड़ा ही मुश्किल है। वेद को हम साधारण बुद्धि से समझ पाना ये हमारे लिए विशेष करके कलयुग के जीव जिनकी ये अध्ययन और संस्कृत का ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं और मति कैसी है ना बड़ा चंचल है इसलिए वेदों को समझना बड़ी ही मुश्किल है इसलिए असमर्थ मानो असंभव ही है। फिर व्यासदेव जी ने बद्ध जीवों के लिए हम कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने थोड़ा सा और थोड़ा सा क्लैरिफाई किया उसको और थोड़ा सा विस्तार किया जिस कारण जिससे जैसे कि थोड़ा सा हम इजी से हम ये सारे शास्त्रों को चीज़ों को समझ पाए। उन्होंने
पुराण रचना किए, 17 पुराण रचना किए, फिर उन्होंने उपनिषद रचना किए, फिर उन्होंने दो जो महाभारत ये काव्य की रचना की। ये सब करने के बाद भी व्यासदेव जी को व्यासदेव जी के चित्त में शांति नहीं है। व्यासदेव जी एक के समय बैठे हुए हैं, बड़े विशाल चित्त से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं मैंने तो जगत के जीवों के लिए इतना सुंदर सब कुछ रचना किया, फिर भी मेरे चित्त असंतुष्ट क्यों है। तो इस प्रकार विषाद चित्त से बैठे हुए हैं एक समय, तब उनके अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं कि श्री गुरुदेव ही इस प्रकार संशय को मेरा दूर कर सकते हैं। जब ऐसे इसी समय तब उनके गुरुदेव कौन है, श्री नारद जी हैं। श्री नारद जी वहाँ पर प्रकट हुए। नारद जी को व्यासदेव जी ने चरण वंदना की, कहा गुरुदेव मैंने तो इतने वेदों को विभाजन किया, चार एक वेद से चार वेद बनाया, उसके बाद बहुत सारे उपनिषद बनाया, हाँ, और उसके बाद 17 पुराण बनाया, पर फिर भी मेरे चित्त शांत नहीं है, फिर भी मेरे चित्त प्रसन्न नहीं है, इसका कारण क्या है। गुरु कैसे हैं, गुरु अंतर्जामी है, भगवान के श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति हम कहते हैं कि कृष्ण के जब कृपा कृष्ण की करुणा जब एक मूर्तिमंत स्वरूप होता है तब श्री गुरुदेव के रूप में। तो इस प्रकार श्री गुरुदेव कैसे हैं, अंतर्जामी है, वो सारे चीजों को जानते हैं। इसलिए श्री नारद जी ने कहा व्यासदेव आपने तो सारा कुछ वर्णन की, परंतु श्री परम ब्रह्म परमेश्वर ये सौराठ पुरुष हैं जो बड़े बड़े ब्रह्मा देवता आदि भी उनका आराधना करते हैं, परंतु वो प्रेम के वश से कर स्वीकार करके जब सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं ब्रज में, ये जो कृष्ण के थोड़े से भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर बड़े बड़े इंद्र और ये सूर्य आदि क्या करते हैं, हिल जाते हैं, परंतु वही क्या करें ना यशोदा माता के डांट फटकर से बड़े भयभीत हो जाते हैं, रोते हैं, रुदंतम मोहनेत्रम युगम मृजंतम करामभुज सातंक करामभुज युगमेन सातंक नेत्रम। अर्थात माता यशोदा जब कृष्ण को डांट देती है, माता यशोदा जब कृष्ण को थप्पड़ देते हैं, तब कृष्ण क्या करते हैं, बड़े भयभीत चित्त से दो हाथ को रोते दो हाथों का आंखों मलते हैं। तो ये कृष्ण की कोई बनावटी लीला नहीं है, ये कोई एक्टिंग नहीं है, स्वाभाविक कथा है, क्योंकि प्रभु कैसे हैं, यद्यपि वो सौराठ स्वतंत्र हैं परंतु वो प्रेम बस है। इसलिए व्यासदेव जी ने कहा कि आपने तो ये सुंदर सुंदर लीलाएं तो वर्णन नहीं की, जिस लीला को जहाँ सूत्र तत्व पर भरते जिसको सुनने पर हम भगवान इतने सुंदर सुंदर अनुग्रह ये भक्ता नाम मानुषिम तनम आश्रित कि भगवान ने अनुग्रह करके भक्तों के लिए इतने सुंदर सुंदर लीला की, ये गोपियों के इशारे में कृष्ण नाचते हैं, जो कृष्ण के इशारे में जो सारे बड़े बड़े देवता आदि नाचते हैं वो गोपियों के इशारे में नाचते हैं, और ये सुदाम सुबल आदि सखा क्या करते ना कृष्ण के कोई कंधे पे चढ़ जाता है, कोई कृष्ण को घोड़ा बना देता है। इस प्रकार देखो भगवान होने पर भी प्रेम प्रेम का वशता स्वीकार करके कैसे ये स्वाभाविक के हाँ मनुष्य रूप बत लीला कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो आपने वर्णन नहीं की, इसलिए क्या करो आप इन सारे चीजों को वर्णन करो, और इन सारे चीजों को जब वर्णन करोगे देखना निश्चित रूप से ही तुम्हारे चित्त प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवत लीला के बिना हमारे चित्त को कभी भी आनंद मिल नहीं सकता, क्योंकि प्रभु कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, आनंदमय है, इसलिए उनका लीला जब हम बार बार श्रवण कीर्तन करते हैं हमारे चित्त में भी वही आनंद मिलता है, वही आनंद आता है। तो इस प्रकार व्यासदेव जी ने अपने गुरु के वाक्य को सुना, और सुनकर उन्होंने समाधि योग में इस प्रभु के सुंदर सुंदर जो लीला है उसको उन्होंने दर्शन की, और दर्शन करके श्रीमद् भागवत शास्त्र रचना किया। ये जो भागवत है कहते हैं भागवत, अर्थात इसमें चार अक्षर हैं भागवत, अर्थात भाति सर्व वेदेशु, ये सारे वेदों से वेदों में कैसा है, सारे वेदों में उज्जवल स्वरूप है, सारे वेदों में ये श्रेष्ठ है। कैसे, हमने अभी सुना कि वेद को समझना वेद परोक्ष बाद, अर्थात वेदों को वाक्य को समझना साधारण बुद्धि में बहुत ही कठिन है, इसलिए ये तो माइक की आवाज को क्लियर करो, तुम वहाँ किसी लिए बैठे हो, हरे कृष्ण, इको कम कर आवाज तेज करो, सारे वेदों में ये कैसा है ना उज्जवल स्वरूप है, और भाति सर्व वेदेशु, फिर गा क्या है ना गति से अलौकिक, अर्थात इसको जो श्रवण करता है, हम आगे आगे सुनेंगे श्रीमद् भागवतम में सुंदर सुंदर उसके महात्म्य है, और विशेष करके ये जो भागवतम जो कहा गया है, ये जो सुखदेव और परीक्षित महाजी क्यों आए सुनने के लिए, और सुनने के बाद उनकी गति क्या होगी ना गति से अलौकिक, अर्थात परीक्षित महाराज जी
इसी सात शरीर में क्या करे ना, काल के सर के ऊपर पैर देकर वो भगवत गोलोक धाम को पधारे। तो ये भागवत को जो सुनता है, हम आगे सुनेंगे धुंधकार का किस प्रकार उसके इतने उसको दान पुण्य आदि कर दिया, गांव में पिंड आदि कर लिया, फिर भी इतने पापात्मा था धुंधकारी के पापों मचने होता और ये सब प्रेत दुनिया में भटकता था। जब इसने भागवत कथा सुनी तब क्या हुआ ना, उसकी गति ये हो गया और उसको मुक्ति मिल गया। तो इस प्रकार भागवत में ऐसा है कि जो सुनता है गति से अलौकिक गति उसको प्राप्त होता है। और अर्थात वरिष्ठ सर्वशास्त्री सारे शास्त्रों में भागवत कैसे हैं ना, श्रेष्ठ है और तरणिष्ठ भवामुदो, अर्थात इसका जो सहारा लेता है श्रीमद् भागवत की कथाओं को जो सुनता है, ऐसा विधि है कि नित्य भागवत की कथाओं को सुनना है, सुनने की विधि है। परंतु हम लोग कैसे हैं ना, कलयुग के जीव हैं, इसलिए हम प्रत्येक दिन ये सारे चीज़ों करना हमारे लिए कभी कभी हम चेष्टावान नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारी मंदबुद्धि है। परंतु इस प्रकार जो सात दिन का जो अवसर मिला इसको तो अवश्य सुनना चाहिए और सात दिन में ही व्यक्ति को कल्याण हुआ है। इसलिए क्या है ना, गति से अलौकिक तरणिष्ठ भवान अर्थात इस भवसागर से उधार हो जाता है। इसी भागवतों के एक महात्म्य है जो कि बहुत ही सुंदर, अभी हम सुन रहे थे शिव जी और पार्वती जी के संवाद में। एक बार क्या हुआ, पार्वती जी के गुरुदेव कौन है ना, वामदेव है। पार्वती देवी के गुरुदेव वामदेव है। एक बार क्या हुआ ना, पार्वती देवी को उनके गुरुदेव पूछे कि पार्वती बताओ तुमने कभी ये चीज जानने की कोशिश किया ना, क्या गुरुदेव ना तुम्हारे जो पति हैं शिव जी हैं वो गले में इतने सारे मुंड माला क्यों धारण करे। बोले नहीं, मैं तो कभी पूछा नहीं और मेरे स्त्री पीछे जानकर करूंगा भी क्या मैं। नहीं नहीं तुम पूछना। नहीं गुरुदेव, मैंने तो कभी प्रयोजन सोचा नहीं इसलिए पूछ के भी। चलो मैं कह रहा हूँ तुम एक बार पूछना। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। पार्वती जी तब तक राजी नहीं हो रही थी, परंतु उनके गुरुदेव ने कहा देखो शिव जी तुम तो पूछ नहीं रहे हो, परंतु एक बात सोचो तो, ये शिव जी जो ये जो गले में जो मुंडमाला जो धारण किए हुए हैं ये सारे स्त्रियों के मुंडमाला हैं, ऐसा क्यों बताओ। तो पार्वती जी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया, अच्छा हाँ ये तो सही बात है, शिव जी ने आज तक मेरे को ये बात क्यों नहीं कहा, अर्धांगी नहीं हूँ इसलिए सारे चीज़ों का आधा हिस्सा मेरा, इसलिए मेरे को जानना ही चाहिए। तो उन्होंने जाके शिव जी को पूछा कि प्रभु बताइए, आज आप एक संकल्प करिए ना, क्या बताओ पार्वती, मैंने तो कभी तुम्हारे बातों किसी बातों को टाला नहीं। नहीं नहीं प्रभु, आपको संकल्प करना पड़ेगा ना, बताओ तो सही ना प्रभु, बताओ आप ये गले में ये मुंडमाला और स्त्रियों के इतने सुंदर सुंदर स्त्रियों के मुंडमाला क्यों धारण करो। प्रभु ने कहा तुम्हें क्या मतलब मैं धारण करूँ। नहीं नहीं प्रभु आप बताओ। प्रभु ने कहा नहीं नहीं पार्वती, वो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम छोड़ो ना उसमें, तुम क्यों ये लगे। नहीं प्रभु आपको तो बताना पड़ेगा। तो प्रभु ऐसे दो तीन दिन डालते रहते बोले ठीक है तुम इतनी जिद कर रहे हो मैं बताता हूँ। पार्वती ये जो सारे जो ये जो मुंडमाला है ये तुमने जो पिछले जन्म है जितने जन्म लिए और इसका तुम्हें सारे जन्म है वो क्या है ना, ये एक एक सिर है, तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना इसको धारण करूँ। पार्वती तो सुनकर बड़ी खुश हो गई। पार्वती जी के मन में नाना प्रकार की बातें आ रही थी, पर प्रभु का इस प्रकार जब प्रीति देखा तब पार्वती जी तो उनके आँख में आंसू आ गए। तो पार्वती जी ने प्रभु को क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु आप क्षमा कर दो, मैंने आपके ऊपर इस प्रकार नाना प्रकार की चिंता की, पर प्रभु एक बात बताओ, ये तो ठीक है आप मेरे जो मुंडमाला धारण किए हैं, परंतु एक बात बताओ, मैंने इतने सारे जन्म मुझे लेना पड़ा, मैं बार बार देह त्यागी और फिर मेरे जन्म लेना पड़ा, परंतु आपको कोई क्यों जन्म लेना नहीं पड़ा, आप तब से अब तक ऐसे क्यों हैं। तो प्रभु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु ये कैलाश उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे एक चीज़ का सेवन किया जो कि मेरे को अमरत्व प्रदान किया। अमरत्व अर्थात वो कभी मरते नहीं, अमरत्व। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु क्या ना, प्रभु शिव जी ने कहा कि यहाँ से दूर जाते हैं कैलाश पर्वत में, फिर कैलाश पर्वत तो क्या करा ना, उस स्थान को रिक्त कर दिया, खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्वती मैंने ठाकुर जी के भागवतम कथा सुनी, और भागवत कैसा है ना, ये अमर कथा, जो इसको एक बार पान करता है, इसको श्रवण करता है वो अमर हो जाता है। तो इस प्रकार भागवत श्री पार्वती देवी जी ने कहा कि प्रभु मेरे को भी आप सुनाइए। तो प्रभु ने कहा ठीक है सुनाऊंगा, परंतु यहाँ पर अगर अधिकारी व्यक्ति ना हो तो क्या होगा, इससे ये गलत हो जाएगा,
इसलिए कैलाश पर्वत तो खाली कर दिया गया, वहाँ पर सारे सब कुछ सब लोग को खाली कर दिया गया और कथा का आयोजन हुआ। तब शिव जी ने कहा कि पार्वती देखो, मैं जब कथा कहना शुरू करूँगा प्रभु के कथाओं में इतने में आविष्ट हो जाता हूँ, भाव समाधि में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा ना, तुम पीछे पीछे सहारा देते रहना, मैं बोलता जाऊँ और तुम क्या करना, हूँ करते रहना, हूँ भरते रहना। तब मुझे भी लगा कि हाँ तुम सुन लियो। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है प्रभु। तब जब शिव जी ने जब कथा शुरू की, ऐसे कथा चली चलते चलते पार्वती जी कुछ सिद्धांतिक बात आ गया, भागवत में सिद्धांतिक भी बात भी है, भगवान के स्वरूप कैसा, उनके धाम कैसा, इस प्रकार के जब उनकी शक्ति कैसा है, इस प्रकार जो सैद्धांतिक बात आ गई, पार्वती जी को थोड़ा सा आलस्य हो गया और पार्वती जी उनके आँख लग गए। उसी समय क्या हुआ ना, उस पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा था, सुख पक्षी बैठा था, वो भी सुन रहा था कथा। जब उसने देखा कि माता पार्वती तो सो गई, अभी अगर हाँ नहीं भरेंगे तो आगे कथा प्रभु बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे नहीं तो मुझे सुनने को मिलेगा नहीं, इसलिए इसने क्या करा ना, प्रभु शिव जी बोलते जा रहे हैं और वो पीछे हाँ भरते जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद जब कथा जब समाप्त हुई, शिव जी जब लास्ट में गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जब वृंदावन बिहारी लाल की जय, बीच में जय जी कर के सो जाएंगे, तब जब लास्ट में जब जय ध्वनि दी, तब पार्वती जी का नींद टूटा। तब पार्वती जी ने कहा अच्छा प्रभु, आपने वहाँ से जो छोड़ा था उसके बाद क्या हुआ, आप तो बोले ही नहीं। बोले मैं बोला नहीं, मैं तो 2 घंटे से बोल रहा हूँ ना प्रभु, मैं तो क्षमा करना, मैं तो मेरे दांत लग गया था। तब शिव जी को क्रोध आया, अरे ये शिव जी का जो क्रोध है ना, ये एक लीला मात्र है, क्योंकि भागवत की महिमा को प्रकाश करने के लिए ये सारे लीलाएं हैं, भागवत ऐसा ग्रंथ है उसको महिमा को प्रकाश करने के लिए साक्षात शिव जी भी इसको महिमा को प्रकाश करने थोड़ा सा लीला के माध्यम से इसको सारे जगत जीवों को दिखाते हैं। तब क्या हुआ ना, पार्वती जी ने कहा कि मैं तो सो गई थी। तब शिव जी को क्रोध आया कि अरे तो फिर कौन सुन रहा था। तब इधर उधर जो देखा कि सुख पक्षी बैठा है, तो शिव जी तो जानते ही अमर कथा है, जो एक बार सुनता है वो अमर तो प्राप्त हो जाता है। तब शिव जी ने क्या करा, अपने त्रिशूल उठाए और उस जो सुख पक्षी को मारने के लिए भाग। तब सुख पक्षी भी भागी, वो भी अपने जान को बचाए भागी। वहाँ पर सुख पक्षी जाके ब्रह्मा जी के शरण में लिया। तब ब्रह्मा जी के पास जब उन्होंने जाकर शिव जी ने कहा कि इसको छोड़ दो, इसने अमर कथा सुन लिया और कलयुग इस ये मरते लोगों का नियम है, जीवों को मरना पड़ता है, इसलिए ये तो अमर कथा सुन ली। तब ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, ये तो आप कहते हो अमर कथा, तो आप इसको मार कैसे दोगे, ये तो अमर हो गई, कथा सुन के अमर हो गई, तो आप इसको मार कैसे दोगे। तो शिव जी ने सोचा कि हाँ ये प्रभु की लीला है, तो इससे ये पता चलता है कि और वही जो सुख पक्षी है बाद में जाके लीला सुख बने और श्री सुखदेव गोस्वामी के रूप में आए और परीक्षित महादेव को उन्होंने कथा सुनाई। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे महात्म्य हैं। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, वांछा कल पत्र श्रीमद् भागवत कथा की ताली बजाओ जोर से। यदि जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये भागवत कथा नहीं, ये अमर कथा है। अगर ये कथा को सुनेगा, आपको समझ में आया कि नहीं, शंकर जी स्वयं कहते हैं पार्वती तब से मैंने ये अमरत्व को प्राप्त की, मैंने जब भागवत कथा सुना। लेकिन माता पार्वती पहले शरीर छोड़ती जा रही थी, बोले क्यों, बोले भागवत कथा नहीं सुनी। लेकिन जब से माता पार्वती भी ये कथा को सुनी, तभी से माँ पार्वती अमरत्व बनी। तो ये चीज को समझो, ये भागवत कथा की कितने महत्व है, जो सत्यम शिवम सुंदर है, जो योगी योगी महादेव वो भी ये भागवत कहते हैं। बोले तब कथा अमृतम तप्त जीवना Oh,
श्री राधा रानी कहती हैं अगर ये श्रीमद् भागवत को कोई सुनेगा तो उसको 7 फायदा होगा। कितना लाभ होगा जोर से बोलो। आप लोग बोलोगे ना भैया हमारे श्री हैं क्या नाम आपका सुखराम सुखवीर प्रभु और हमारे श्री संतोष मैया और श्री माता जी का नाम क्या है घर का मालिक शकुंतला देवी कहते इनकी घर में हरे कृष्ण। अरे इसका आवाज थोड़ा तेज करो इको तो कम गल कर तेज करो। इसलिए इनकी घर में भागवत कथा हो रही है। अभी हम ये 7-7 दिन तक बैठ कर कथा सुनने का हमें क्या मिलेगा। 2-2, 3-3 घंटा अगर ये समय को अगर और कहीं देते तो कुछ तो माल मिलता तो हमारे घर का कुछ लाभ होता। यहाँ हम बेकार बेकार यहाँ 3-3 घंटा क्यों देंगे। कोई बोलेगा ना हम कलयुग का जीव है ना सबसे पहले देखेंगे भैया कितना फायदा कितना माल मिलेगा उसको बाद में जाकर कोई काम करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा माल मिलेगा हम वहीं पर ज़्यादा समय देंगे देते कि नहीं। लेकिन यहाँ पर राधा रानी कहती है देखो ये भागवत कथा से तुम्हें जितने प्रॉफिट जितने तुम्हें लाभ मिलेगा ना दुनिया में किसी बिजनेस में इतने लाभ तुम्हें मिल नहीं सकता। ये मैं नहीं राधा रानी स्वयं कहती है। पहला लाभ क्या है आज मैं सुनाऊंगा कल आपसे सुनूंगा देखूंगा मेरे से मेरे को कौन बोल पाएगा जो बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा। ध्यान लगा कर सुनो भागवत कथा तुम्हें से कितना लाभ होगा तुम्हारी 7 फायदा होगा। पहला लाभ है कहते ये कथा जो सुनेगा वो अमर बनेगा। देखो जिन जिनियों ने सुने अमर बनेंगे शंकर स्वयं अमर बने हुए माँ पार्वती अमर बनी कथा सुनकर सुने ना अमरनाथ में शंकर जी पार्वती को सुनाया था सुखदेव गोस्वामी सुने वो भी अमर हो गए परिकृत महाराज सुने वो भी अमर हो गए हनुमान जी सुने वो भी अमर हो गए। अमर हो गए कि नहीं जगत में जगत में इनकी पूजा हो रही कि नहीं। इसलिए कथा जो सुनेगा उसका पहला लाभ है अमरत्व को प्राप्त करेगा। बोले दूसरा लाभ क्या है बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम। तप्त जीवन मतलब होता है हम संसार में सब दुखी है उत्तप्त जीवन में पड़े हुए हैं। कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई परिवार से दुखी कोई बेटी से दुखी कोई सास से दुखी कोई ननद से दुखी कोई पड़ोसी से दुखी 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 संसार में। लेकिन यहाँ पर राधा रानी कहती है जो कथा सुनेगा ना जीवन का समस्त दुख तुम्हारी दूर हो जाएगा सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया। ये दूसरा लाभ है। बोले तीसरा लाभ क्या बोले जीवन का जितने तुम्हारी पाप है ये समस्त पाप तुम्हारी नष्ट हो जाए। दुख का कारण क्या है हमने पाप कर्म किया तभी तो कष्ट भोग करते हैं ना तो तुम्हारी सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले चौथा लाभ क्या है बोले श्रवण मंगलम। ये कथा को अगर कोई श्रवण करेगा तो कितना मंगल भवन अमंगल हरि जीवन का सारे अमंगल तुम्हारी दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में मंगल मंगलमय होगा। देखो छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कल मैं सबको ये कहानी सुनूंगा ध्यान देकर सुनो। अगर अनजान व्यक्ति तुम्हें पता नहीं ये भागवत कथा होता है क्या लेकिन तुम अनजान में यहाँ आकर बैठ गया तो उसका कितना लाभ सुनो। बोले एक समय कोई हमारे गुरु जी कथा सुनाया थे करते थे बोले कोई एक फेरी वाला था जैसे गांव गांव में घूम घूम करके सामान पहले बेचते थे। अभी उसने एक दिन फेरी का काम करते करते गांव से बड़े दूर चले गए देखा गांव में वापस आना कठिन है सोचा रात को इसी गांव में रुक करके कल से फिर अपना काम धंधा करूँगा। गांव वालों से पूछा गाँव में कोई रुकने का व्यवस्था है। पहले हर गाँव गाँव में एक मंदिर होता था अगर कोई अतिथि आते थे मंदिर में रहते थे। बोले बाबा इसी मंदिर में आप रह सकते हो। जब वहाँ रुकने के लिए गए पहले क्या पहले तो टीवी होता ही नहीं कि स्मार्टफोन नहीं होता था। पहले क्या होता था गांव के लोग को शाम को सबके सब मंदिर में उपस्थित होते थे और बैठ करके ढोलकी मजरा लेकर के ठाकुर जी की कीर्तन करते थे वहाँ भागवत रामायण हुआ करता था। दिन भर काम करते करते थक गया जब वो विश्राम करने के लिए गया ना सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए और ढोलकी मजरा लेकर के बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय Oh,
कीर्तन करना शुरू कर दिया। जब सब बैठ कर कीर्तन करे वो सोए कैसे, और उसने मजबूरी में वो भी ताली बजाते हुए गोविंद जय जय गोपाल जय जय किया। फिर वहाँ बाबा ने भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाना किया। बोले भैया ये भी कहाँ से आपको दिया, दिन भर काम करते करते नींद आ रही है, कथा सुनाना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, दीवार में सहारा दे करके बोली तो बेकार ये कथा सुनकर तो कोई फायदा नहीं है, टाइम पास करना उसे बेकार काम है। उसने दीवार में सहारा दे करके ना वो भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय की और कथा सुना, एक घंटा कथा हुई। जब कथा विश्राम होगी सब चले गए, बोले भाई चैन मिला है, अब उसने सो गया। जब सो गया फिर दूसरे दिन से काम शुरू किया, लेकिन देखो क्या हुआ, मरने का बाद अभी जमदूत उसको पकड़ करके ले गए और उन्होंने चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किया है। देखो हम जीवन में जो जो काम करते हैं ना, ये मत समझो हम छुपा करके 10 मंजिल गोपर में क्या कर रहे किसको पता नहीं, नहीं उसका नाम चित्रगुप्त, गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब फटो। हम जो कुछ करते हैं जीवन में सारे फटो पर उठ रहा है, मरने का बाद सारे कापी खुलेगा। अब देखना हमने जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे ही पत्नी मिलती है, वैसे ही बच्चे मिलते हैं, परिवार वैसे मिलता है, पैसा ठीक वैसे मिलता, थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं होता जैसे कर्म करते हैं। देखना किसकी पत्नी बड़ी अच्छी प्यारी, लेकिन किसकी पत्नी बड़ी झगड़ा करने वाली, किसका बेटा ऐसे सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूता है, लेकिन कभी कभी ऐसे बेटा तक ना एकदम बात नहीं सुनता, कभी कभी बोलते हैं ना लगता है ये पूर्व जन्म का शत्रु ही बेटा बन करके आ गया। सही बात है, जैसे जैसे हमने कर्म किया ना हमारे सब कुछ वैसे मिलता है। चित्रगुप्त को बोले भैया ऐसे काफी बोलो कितना पुण्य और पाप किया, देखो आप जो यहाँ कथा सुन रहे हैं ना वो तो सारे फटो उठ जाए। आप लोगों ने सुख राम जी घर में बैठ करके कथा सुन सारे फटो उठ रहा है, बाद में ना सारे निकलेगा काफी निकलेगा कितने पाप पुण्य किया। बोले भैया ऐसे काफी बोलो कितने पाप और पुण्य किया। चित्रगुप्त बोले ये तो कभी पुण्य किया ही नहीं, सारे झूठ बेईमानी करके पैसा कमाया करता था और परिवार पालता था। बोले देखो तो थोड़ी बहुत तो कुछ होगा, बोले इसका थोड़ी सी पुण्य है। बोले क्या है, बोले एक गांव में ये फेरी काम करते करते मंदिर में पहुंचा था, वहां पर भागवत कथा कीर्तन हुई थी, उसने एक घंटा बैठ करके ये कथा सुनी और कीर्तन सुना, उसको इतना ही केवल पुण्य है। बोले कथा कैसे सुनी, भक्ति से ना बिना भक्ति से। बोले सोचा ये तो बेकार काम है, ये टाइम पास केवल हो रहा है, ऐसे भावना को लेकर उसने कथा सुनी, लेकिन इस श्रद्धा भक्ति से कथा नहीं सुनी। बोले भैया उसको एक घंटा स्वर्ग मिलेगा, क्यों एक घंटा उसने कथा सुना है, लेकिन भक्ति से सुना था तो कोई विशेष फल मिलता। उसको पूछा गया बताओ, ये बताओ पहले पाप लोग ना पहले पुण्य लोग, उसने सोचा नरक तो जाना ही है, मैंने सुना स्वर्ग बहुत बढ़िया जगह है। बोले एक घंटा मेरे को स्वर्ग भोगा लो, उसको जमदूत को बोले जाओ एक घंटा स्वर्ग भोगा करके वापस ले आना। लेकिन जब उसको स्वर्ग में ले गए ना, वहाँ पर देख कर ऐश्वर्य पारिजात पुष्प रंभा उर्वशी मेनका, वहाँ पर लाइट की जरूरत नहीं, मणि और जैसे हमारे ईंट पत्थर से घर बने हुए, हीरे जवाहरात से बने हुए, वहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं बनते, कोई बूढ़ी नहीं होते, वहाँ पर कोई हर समय जवानी बनी रहती है। जब स्वर्ग में पहुंचा देव करके तो आश्चर्य में पड़ गया, बोले इतना ऐश्वर्य, लेकिन एक घंटा बाद में नरक ले जाएगा। उसने सोचा एक घंटा स्वर्ग को घूम करके देख लेता हूँ क्या क्या है। उसने देखा एक तरफ में कोई जा नहीं रहे, तो बोले जा क्यों नहीं रहे, उधर जा करके देखा वहां पर भगवान वामन देव है, कुछ सात्विक संपन्न गुण संपन्न लोग वहाँ चतुसन भी वहाँ पर कथा कर रहे थे और आप लोग जैसे बैठ कर कुछ लोग कथा सुन रहे थे। उसको याद आया अरे ये चित्रगुप्त तो बोल रहा था मैंने कही एक घंटा अनजान से कथा सुनी इसलिए मेरे को एक घंटा स्वर्ग मिला, भैया यहाँ भी कथा हो रही है, अगर और एक घंटा सुन लूंगा तो मेरे को 2 घंटा स्वर्ग हो जाएगा। उसने स्वर्ग को भोग को उसने नहीं होगा, वो सीधा कथा में बैठी है और सबके सब हरि बोल कर रहे थे, वो भी हरि बोल करने लगा, वो भी प्रभु की कथा सुनने लग गया। लेकिन जब एक घंटा बीत गया, एक घंटा के लिए गया था ना, लेकिन उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, समझ गया कि कथा की कुछ असर है, वो उठा नहीं और जम करके बैठ गया, क्यों जानता है नरक ले जाएगा।
अभी तो जो जमदूत ले गए थे बोले दरबार था, बोले भैया हमारे आदमी को भेजो, एक घंटा हो गया। उसने ढूंढा वो व्यक्ति कहाँ है और ढूंढते ढूंढते देखा वो तो कथा में बैठा, भगवान का कीर्तन और कथा में बैठा हुआ। देखो अच्छे तरह से सुनो, जो व्यक्ति ये भागवत कथा में बैठा है ना, जानते हो कहाँ बैठे हो? ठाकुर का गोद में बैठे। अगर इसी समय में किसकी मृत्यु आ जाए, आप जब तक ये भागवत कथा में बैठोगे ना, किसी की हिम्मत नहीं आपको यहाँ से कोई उठा कर ले जाए, क्योंकि जो कथा सुनते हैं बांके बिहारी की गोद में बैठे हो। इसलिए जमदू तो आए लेकिन देखा ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं, उठा कर ले नहीं पाई वहां से। उसने जब देखा कोई आ ही नहीं रहे, उठेगा क्या, अच्छे तरह से जम करके बैठ गया। और जम से तो दो घंटा चार घंटा करते करते वापस चले गए और उसने कथा सुनते सुनते उसका हृदय निर्मल पवित्र हो गया, वैकुंठ से रथ आया और रथ में बैठ करके भगवान का धाम को चले गए। इसलिए अनजान में भी कहीं अगर कथा में बैठ गए, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह राधा रानी कहती है श्रवण मंगलम, भैया ये कथा जो सुनेगा ना उसका जीवन में मंगल ही मंगल होगा, जीवन में कभी उसकी अमंगल नहीं होगा। बोले इसका जो पंचमा लाभ क्या, बोले श्री, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ रहती हैं, ठाकुर जी के चरण में रहती हैं। जो कथा सुनेगा उसको क्या मिलेगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। श्री मतलब शोभा, श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब जस, यदि जो ये भागवत कथा सुनेगी जगत में उसकी जस भी होगी, मैया लक्ष्मी की कृपा होगी और उसको जगत में मंगल ही मंगल होगा। बोले ता मतलब जो ये भागवत कथा सुनेगा संसार का सारे बंधन उसकी नष्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ राधा रानी कहती हैं जगत में कोई स्कूल कॉलेज खोल दे, कोई हॉस्पिटल खोल दे, कोई अन्न छत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगा, लेकिन जगत में सबसे बड़ा पुण्य किसमें मिलेगा, बोले जो श्रीमद् भागवत कथा को दान करते हैं, कहते पृथ्वी का सबसे बड़ा जो दान है जो ये भागवत कथा को जो दान करते हैं, कहते इससे बड़ा दान दुनिया में कुछ भी नहीं। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, जय श्री राधे। इसलिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहते दो पुराण में इसकी महिमा आती है, एक पद्म पुराण और एक स्कंद पुराण। हाँ आप लोग से प्रश्न करता हूँ, आप लोग बोलो, अब से प्रश्न करता हूँ, ये बताओ ये कथा कितने से कितने तक होने पर आप लोग सुन सकते हो, क्योंकि 7 दिन तक कथा होगी, क्योंकि हम बताया ना 7 दिन तक अगर कोई कथा सही सही सुने, अब 7 दिन में जो मांगोगे वही फल मिलेगा। और हमारे श्री सुखबीर प्रभु जी इनके भगवान की प्रसाद की व्यवस्था की है, कथा के बाद में प्रसाद है ना, हाँ चकाचक प्रसाद है। इसलिए देखो हमारे बड़े गुरु जी कहते थे एक एक भक्त 10-10 भक्तों को साथ मिलेगा ना, कितने कितने भक्तों को लाओगे, जोर से बोलो। गुरु जी कहते थे आप जिसको साथ में लेकर के आओगे ना, जिसको साथ में लेकर के आओगे उसको जो पुण्य मिलेगी, जो लाने वालों को उसका आधा पुण्य मिलेगी, इतने महिमा अगर जिसको कथा में लेकर के आओगे। आप लोग सब अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आना, क्योंकि कथा सुना है पर उसके बाद में चकाचक भर प्रसाद और क्या। माताओं का सबसे बड़े चिंता है घर में जाने पर है रोटी रोटी सब्जी बनाना पड़ेगा, प्रसाद तो यही मिलेगा, तो चिंता की बात नहीं। ठीक है कल कितने कितने भक्तों को लेकर के आओगे, अरे बोलो जोर से 10। और कितने से कितने तक कथा होने पर आप कथा सुन सकते हो, बोलो जोर से 4 से 7 तक। ठीक है हम कल 4 से 7 तक कथा करेंगे। ठीक है अभी और थोड़ी सी 20-25 मिनट की कथा होगी, उसके बाद में सबके सब प्रसाद लेकर के जाना। ठीक है और सबके सब टाइम से आना, कथा को नियम है कथा से पहले आनी चाहिए। टाइम से कथा सुनोगे, नियम से कथा सुनोगे तो क्या होगा, जो कुछ मांगोगे भागवत आपको सब कुछ इच्छाओं को पूरी करने वाली ये श्रीमद् भागवत है। ठीक है जी प्रमुख मैं वर्षी भागवत महिमा सुना। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृता की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
पंचा कल्पत रूपस्य कृपा सिंधु च अतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रभुष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतुक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानंद गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और श्रीमद्भागवत जी के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए हमारे बीच में विराजमान पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भी वैष्णव लोग यहाँ पर हैं, माताएं लोग, प्रभु लोग, दीदी लोग, सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। जैसे कि आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन है और महाराज जी भी हम लोग कलश यात्रा करके मोहन नगर में आए गली गली में, और हमारे जो प्रभु जी सुखबीर प्रभु जी और संतोष माता जी बड़े उल्लास के साथ शकुंतला दीदी हाँ, नहीं उनका जो बेटी की सास सास है ना, बेटी सास हाँ। तो इनके घर में शकुंतला माता जी इन्होंने कथा का आयोजन किया है। अभी ये घर साधारण घर नहीं है। अभी बता रहे थे जैसे कि महाराज जी जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है वहाँ गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सारी नदियाँ वहाँ पर आती हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी व्यास जी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी सौनक आदि विदुर मैत्र ऋषि आदि सब लोग ऋषि आते हैं। तो इस घर में जो कोई आएगा इस घर के चारों तरफ भी कोई अगर दर्शन भी करेगा ना उसका भी मंगल होगा। कथा तो सुनने की बात है और जो इस घर में आकर कथा सुनेगा सात दिन तक है यदि भी कोई एक दिन भी सुनेगा उसका भी कल्याण है, पर कोई सात दिन सुनेगा बैठकर उसका कितना कल्याण है अभी मैं बताता हूँ। छोटे से जागतिक उदाहरण के द्वारा मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि भागवत कथा सुनने का क्या फल है। एक बार श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी ऐसे ही, तो जैसे प्रभु जी मानो सुखबीर जी प्रभु जी या कोई भी जो आयोजन कराए थे वो घर घर में बुलाने गए, प्रभु जी हमारे घर में कथा हो रही है आप आइए, अपने रिश्ते अपने ना रिश्तेदार नाते दुकानदार पड़ोसी मित्र सबको बुला रहे थे। पर एक उनका परम मित्र था लाला जी वो परचूने की दुकान राशन की दुकान पे बैठता था, तो वो उनका मित्र बहुत पक्का मित्र था। तो उन्होंने कहा लाला जी हमने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप उसमें आओ। तो लाला जी कहता हाँ ठीक है समय मिलेगा तो मैं आऊँगा जरूर, सात दिन में मैं जरूर आऊँगा। तो क्या हुआ पहला दिन निकल गया वो आए नहीं लाला जी। अब जो घनिष्ठ मित्र होता है ना उसे मन करता बुलाने का है ना, जो पक्की सहेली होती है हैं, तो क्या तुम तो आओ तुम ही नहीं सहायता करोगी तो कौन करेगा। वो दोबारा कहे भैया आज छः दिन बच रहे भागवत में अब क्या करोगे। बोले आज तो आ जाओ भागवत कथा सुनने के लिए आओ। लाला जी कह रहे हाँ बस कल दुकान जल्दी बंद करके, अरे ग्राहक इतने आ जाते हैं क्या करो, बड़े ग्राहक की बात है ना देखना पड़ता है। तो दूसरे दिन भी क्या हुआ ग्राहकों के चक्कर में बेचारे दुनिया में दो बड़े दामोदर और दामोदर खड़े रहे सब काम करे दाम की ऐसी महिमा है। तो उधर क्या हुआ वो दूसरे दिन भी आया नहीं। फिर उसने कहा भैया आज कथा का दो दिन हो गया तो लाला जी आज तो आ जाओ कथा, महाराज जी है पांच दिन रहे फिर चले जाएंगे। तो बोले हाँ कल पक्का कल एकदम पक्का मैं आऊँगा कथा में आप चिंता मत करो। और वो तो इंतजार करते लाला जी आए नहीं।
अरे लाला जी ने तो कहा था कथा में पक्का हूँ, आ जाए नहीं, क्या बात है। फिर सुबह दोबारा लाला की दुकान पर पहुंच के, लाला जी आए नहीं रहे क्या? तो लाला जी कह रहे मेरे को ही सुनाओगे क्या कथा, और कोई आता नहीं कथा में? बोले कि नहीं नहीं लाला जी, देखो आप मेरे मित्र हो ना, सब लोग आते हैं आप ही नहीं आते, मोहन नगर के सब लोग आते हैं आप ही नहीं आते, आप तो आओ एक दिन आओ चाहे, चलो कल मैं आऊँगा। ऐसी करते करते चार पाँच दिन निकल गए। अब दो दिन बते कथा के, लाला जी ने कहा चलो एक दिन चला जाता हूँ, इसका कहा वो ना औपचारिकता के लिए, जैसे कहते हैं ना कोई मिले आते चलो एक बार 10 मिनट के लिए हुआ आता हूँ, ये तो रोज़ परेशानी करता रहेगा मेरे को, आओ जी आओ जी आओ जी। तो ऐसी ये वाली कथा जो मैं सुना रहा हूँ, यही कथा भागवत में सुना रहे थे महाराज जी। तो उस कथा में लाला जी बड़े दूर से आए, बड़े पैसे वाले धनवान व्यक्ति है। तो उस कथा में कोई विशेष चल रहा था, यही कथा चल रही थी लाला जी जैसी। तो वो कह रहे थे कथा वाचक आ गए, बोले आ गए, लाला जी आ रहे थे, कह रहे थे तो मेरे को ही बोल रहे हैं, दूर से आ रहे थे अभी अभी आए हैं, बोले आगे, कह रहे मेरे को बोल रहे हैं मैं बैठ जाता हूँ। वो बैठ गए, बोले बैठ गए, उसको तो बड़ा एकदम हार्ट में लग गया रे, ये तो मैं आज ही आया, मेरे को कह रहे मैं चला जाता हूँ, तो चला गया, बोले चल दिए। और वो इतना खरे, अरे मैं आज आया, अरे मेरे को बोले आ गए, बैठ गए, चल दिए। और उसको तीन शब्द सुने दिए भागवत में, ज्यादा नहीं सुना, तीन शब्द क्या, आ गए, बैठ गए और चल दिए। और ये ऐसे शब्द है, कड़े शब्द, चुभ गए उसको कि देखो मैं आज कथा में गया, मेरे को लक्ष्य करके बोल ले। और बड़बड़ाते गया, क्या बड़बड़ाते गया, आ गए बैठ गए चल दिए, आ गए बैठ गए चल दिए, बड़बड़ाते जा रहा है। घर पहुंच गया सेठानी के पास, सेठानी कहे रोटी ले आऊं, वो क्या कर, आ गए बैठ गए चल दिए। सेठानी कह रहे क्या हो गया इनको, अभी वो बड़ा पर उसके जिसके चुप जाते हैं ना, सब बार बार मन में घूमते रहते हैं। अब घर में बच्चा रो रहा, पोता का पिताजी पिताजी आप दुकान पर नहीं थे, कहाँ गए? तो पिताजी कह रहे आ गए बैठ गए चल दिए। अब ऐसी वो बोले जा रहा है, अभी हुआ क्या, खाना भी खाया नहीं, बस उसको यही शब्द गूंज रहे। जब रात को सोया, पत्नी जो अपने सेठानी उसके चरण दबा ली, बोले आ गए बैठ गए चल दिए। अब ऐसे करते करते वो सो गया, और रात में ही बड़बड़ा रहा है, रात में ही बड़बड़ाए। उनके घर में चोर आए, तो जैसे चोर आए वो तो बड़बड़ा रहा, आ गए, चोर निकल रहे, देख लिए देख लिए देख लिए, बैठ गए बैठ गए बैठ गए। और चोर एकदम से भागने को लगे, चल दिए, लोग भागो भागो ही देख रहे थे। और उसके घर में चोरी होने वाली थी, तो चोरी हुई, वो सब उठ गए और देखने लगे चोर आए चोर आए चोर आए। तो उन्होंने कहा अरे भाई अगर तुम ये बड़बड़ाते रहे ना, आज चोरी होने से बच गई। तो तीन शब्द कहाँ सुने तुमने, श्रीमद भागवत के तीन शब्द सुने बस, क्या, आ गए बैठ गए चल दिए, ज्यादा सुना नहीं, ये तीन शब्द सुने। और उसके घर में पूरा धन चोरी हीरे जवाहरात जो कमाए था सब बच गए। तो ये तो एक संसार की जागतिक उदाहरण की बात है। अगर भगवान के आप नाम की महिमा सुनोगे, भगवान के गुणों की महिमा सुनोगे, भगवान की लीला की महिमा सुनोगे, तो क्या लाभ नहीं होगा। इसलिए इस कथा में अभी अमर की कथा सुना रहे थे, पार भगवान भोले बाबा क्या है, भोले बाबा मर नहीं रहे हैं, पार्वती बार बार सती के रूप में अभी क्या प्राण छोड़ दिया, फिर पार्वती की पुत्री पार्वती बन के आई और मुंडक की माला भोले बाबा पहने जा रहे। तो जैसी कथा सुनाई प्रभु जी ने, और हमारे महाराज जी कथा सुना रहे थे, गोपियाँ बोलिए क्या बोलिए, तब कथा अमृत, ये कथा क्या है, अमरता अमर देने वाली है, अमर अमर बनाएगी हमको। तो यहाँ पर कहते हैं अमृत का पान कौन कर सकता है, तो बहुत सारे विद्वान लोग बहुत सारे कवि लोग कहते हैं ये अमृत कहाँ कहाँ होता है। तो शास्त्र बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं, अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, हैं? कोई बोलता समुद्र में अमृत है, समुद्र में है, कोई बोलता समुद्र में अमृत है, कोई बोलता चंद्रमा में अमृत है, तो चंद्रमा खिलता है ना, तो सारे पौधों में जो रस बनता है वनस्पतियों में, और चंद्रमा की किरणें देखो, हम कितना गर्मी लग रही थी, हम थोड़ा चंद्रमा निकला है ना, थोड़ी शीतलता प्रदान हो रही है।
तो कोई कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, और कोई कोई क्या कहता है कि ये अमृत कहाँ है, सांप है ना, सर्प, सर्प के कंठ में अमृत होता है, जो सांप है ना उसपे बैठते हैं, मणि पे बैठते हैं वो, तो जो सांप है उस पर अमृत होता है। कोई कोई क्या कहता है, नहीं वधु है ना, जो वधु का मुखार है ना, मुख में अमृत होता है, और कोई कोई कहता है स्वर्ग में अमृत होता है ना, तो सबका अपना अपना है। कामी पुरुष कहते हैं स्त्री के मुख में अमृत है, देवता लोग कहते हैं नहीं हमारे स्वर्ग में अमृत है, तो और कोई कोई कहता है समुद्र में अमृत है। बात तो ठीक है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था वहाँ से क्या निकला था, अमृत निकला था, परंतु वास्तव में अमृत कहाँ है, संत लोग कहाँ बोलते हैं, जैसे अभी गोपियाँ बोल रही तब कथा अमृतम, समुद्र में यदि अमृत होता तो क्या होता, समुद्र खारा नहीं होता, समुद्र का पानी, अगर आप समुद्र पूरा प्यास लग रही है और समुद्र का पानी पियोगे, पूरा समुद्र पी जाओगे, प्यास नहीं बुझेगी आपकी। अगर समुद्र में अमृत होता तो क्या होता, आपकी प्यास ही नहीं बुझ पा रही है, खारा पानी कैसे होता। कोई बोलते हैं यदि सांप के, जो सांप होते हैं सर्प के पास अमृत अमृत है, कहते हैं अगर सांप होता है, सांप किसी को डस लेता है तो फिर हम मरते क्यों हैं, इसलिए क्या है, सांपों के भी अमृत नहीं होता। कोई कोई क्या कहता है वधु, वधु के मुख में क्या है, स्त्री के मुख में अमृत है, बोले स्त्री के मुख में अमृत होता तो पति क्यों मरते हैं फिर, हाँ पति जब शादी हो जाती है, विवाह होती है, पहले तो क्या चंद्रमुखी है, फिर दूसरी क्या है सूरजमुखी, फिर क्या है ज्वालामुखी, ये जो अमृत है ये बदलता जा रहा है, सुना ना कान, ये ऐसा होता है, पहले पहले तो शुरुआत कहाँ होती है, मीठे गोलगप्पे से, मिठाई से, और फिर आप कह के बोलते हैं, फिर तुम कह के बोलते हैं, फिर तू कह के बोलते हैं ना, देखना आप पुराने लोग तू कहते, तू आ गई कहाँ गई थी, और पहले दिन क्या आप ठीक हो कैसे हो, पहले आपसे हर कोई लोग कैसे शुरुआत करता है, आप देखना पहले शादी होगी अनपढ़ आदमी होगा ना, तो देखा आप कैसे हो, कितने भाई बहन हो, आपके घर में कितने लोग हैं, आपसे शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे कहाँ होती है तुम पे बात आती है, तुम भी ठीक है, फिर और जैसे प्राणी होती है, फिर हाँ तूने रोटी बनाई कि नहीं बनाई, हाँ कहाँ से आ रहे तो कहाँ गई थी आज, है ना, तो ये जो अमृत है ये भी यहाँ पर अमृता नहीं है, और स्वर्ग में भी कहते हैं अमृत नहीं है, स्वर्ग में यदि अमृत होता तो वहाँ के देवता भी क्या छीने पुण्य मृत्यु लोके विसंति, वहाँ पुण्य नष्ट होने पर इस पृथ्वी लोक पर दोबारा आना पड़ता है, और देवताओं का जो राज्य क्या है, कभी बलि महाराज छीन लेते हैं, कभी रावण भी छीन लेता है, कभी हिरण्यकश्यप भी छीन लेता है ना, देवता लोक में भी स्वर्ग में भी क्या है, तो वास्तव में अमृत नहीं है। हरे गोस्वामी नारद जी व्यास जी और हमारे जैसे महाराज लोग के गुरु परंपरा में इनके मुख में ही अमृता है। परीक्षित महाराज ने सुना वो अमर हो गए, प्रहलाद महाराज ने सुना वो अमर हुए, अमृत महाराज ने सुना वो अमर हो गए, मृत्यु का ढेर नहीं है। अशोक अब है अमृत आधार तुम्हारे चरण दे, तो क्या है भगवान के जो भक्त होते हैं उनके कंठ में अमृत होता है, और वो अमृत वो क्या कर रहे हैं आज आप लोगों के कण कण में कणामृत, मतलब अपने मुखारविंद से, हृदय से वो कथा को डाल मुख के द्वारा आपके कर्णों में वो प्रवेश करा रहे हैं। तो वास्तव में अमृत कहाँ पर है, आप लोग अमर ये अमृत को पीने के लिए यहाँ पर आए हैं, और बहुत सौभाग्यशाली है। तो श्रीमद् भागवत में कथा आई है, एक स्कंद पुराण से आई है, एक पद्म पुराण से कथा आती है, भागवत की महिमा, भागवत की महिमा, भागवत ही नहीं बोल रहा ये, जगह जगह सारी पुराण भागवत की कथा बोलती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर है, मैं एक प्रसंग बता देता हूँ, फिर महाराज जी बताएंगे, विश्राम इसको करेंगे। तो आत्मदेव के नाम के एक ब्राह्मण थे, वो उनके पास सब कुछ था, धन दौलत परिवार सब कुछ था, पर क्या पत्नी भी थी पर उनके संतान नहीं होती। उनकी पत्नी का नाम क्या था, धुंधली, परंतु उनके कोई संतान नहीं होती। वो सब संतों के पास जाते, महाराज यदि आप कृपा करना चाहते तो, महाराज बोलते बेटा बता क्या चाहिए, कहते महाराज आपकी दया से सब है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, दूध दाध सब हो रहा है, बस आप क्या करो एक संतान हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता।
तो उन्होंने कहा भैया देखो संतान जिनके संतान है वो भी सुखी नहीं है, हैं जिनके पोते वाले बच्चे वो भी सुखी नहीं है, हैं सब लोग तो दुखी हैं, तुम भजन करो। कहते नहीं नहीं महाराज, एक संतान हो जाती तो ठीक है। और वो क्या है, उनके भाग्य में देखा संतान नहीं, उनके घर में कोई पौधा आए तो पौधा भी सूख जाए, कोई फल आए तो फल भी सड़ जाए, तुलसी का पौधा लगाए तुलसी का पौधा सूख जाए। किसी किसी घर में होता ना कल्याण होता नहीं, अनर्थ होते हैं, बड़ा अशुभ होते हैं, तो जो भी बोला है होता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, संत को बड़ी दया आई, वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, महाराज अगर एक संतान नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, तो आप मेरे घर में क्या एक संतान दे दी। तब उन्होंने कहा ठीक है, जो ना करे लाकरी लकीरी वो करे फकीरी है, जो भाग्य में भी नहीं लिखा वो संत लोग वो भी आशीर्वाद दे देते। जिसके कोई संतान नहीं है, कई इतने आए हैं भागवत कथा में बैठे हैं और 7 दिन उन्होंने वर मांगा, उनको संतान हो गई है। भागवत ये कल्पत वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वही मिलेगा, पर वास्तव में इससे भगवान का प्रेम मांगोगे तो मंगल होगा। तो उन्होंने एक फल दिया, फल किसको दे दिया, आत्मदेव को दे दिया, जाओ इसको अपनी पत्नी को दे देना और ये पत्नी तुम्हारी गर्भवती हो जाएगी। तब वो फल लेकर आए और उसने धुंधली को दिया, बोली इस फल को खा लो, तुम्हारा किसी संत ने दिया है और हमारे संतान हो जाएगी। वो धुंधली बोली ऐसे कोई फलों से संतान होती होगी भला, फल खा लिया संतान हो जाएगी। तो उन्होंने मन में ऐसे संदेह किया, फिर कह रही नहीं तुम इस फल खा के देखो। तो उसने इसकी परीक्षा के लिए पहले सोचने लगी, अरे अगर मैं फल खा लूँगी और सच में गर्भवती बन गई तो मैंने सुना अगर जब बच्चा होता तो पेट निकल जाता है तो फिर मेरा तो शरीर ही खराब हो जाएगा, और अगर चोर आ गए तो मैं भागूंगी कैसे, और मैंने सुना है कभी कभी बच्चे को जन्म देते हैं कभी कभी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, और कभी कभी मैंने सुना है जब बच्चे को जन्म देते हैं बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, अरे कौन इस फल को खाएगा। तो उस फल को उसने क्या किया, परीक्षा के लिए गाय को दे दिया, गाय को। तो उधर क्या हुआ, गाय के तो बच्चा बड़ा सुंदर, एक गाय के गर्भ में बच्चा संत का फैल कभी खराब नहीं जाएगा, तो गाय के बच्चा हो गया। अब इसने कही कि मैं अपने पति को क्या दिखाऊंगी, तो ये क्या अपनी सहेली के पास गई, उस सहेली के पास गई, सहेली ने कहा चिंता मत करो मैं गर्भवती हूँ, मैं अपना संतान तुम्हें दे दूंगी, तुम कहना कि ये संतान मेरा हुआ, तो खैर तुम पता तो लग जाएगा संतान को, तो 7 महीने 8 महीने पेट का पता ही लग जाता है संतान हो रही है कि नहीं, फिर कोई बात नहीं तुम्हें क्या करना कुछ पेट में लगा लेना, कुछ बहाना लगा के कुछ ऐसा लगा लेना और मोटा उस पर कपड़ा पहन लेना कोई, अरे ऐसे पता भी लगेगा। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो उसे ऐसे करती रही, ऐसी करते 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 उसकी जो अभी संत में जो आशीर्वाद दिया तो वो बच्चा अच्छा ही होगा, संत का आशीर्वाद कभी खराब नहीं निकलता। अभी जो गाय के बच्चा हुआ बड़ा संत महात्मा, जब गाय के बच्चा हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण, उसके कर्ण कैसे थे गाय जैसे, क्योंकि गाय के घर में हुआ। और जो उसकी सहेली के जो बच्चा हुआ और वो उसको लेकर आ गई, अब थोड़े समय वो ऐसे भी नाटक करने लगी जैसे अभी बच्चा जन्म लिया है, और ऐसे ऐसे करने पर बच्चा क्या था वो पता नहीं किसका संतान था, कौन कैसा है, बड़ा दुष्ट बच्चा निकला। तो बच्चे का इसका नाम रखा, नामकरण के आत्मदेव कहने लगे इसका नाम मैं अपने नाम के अनुसार रखूँगा। धुंधली बोली नहीं मैं इसका अपने नाम के अनुसार रखूँगी। तो उसका नाम क्या रख दिया, धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, अब वो क्या करता, जैसे जैसे बड़ा हुआ अपने पिताजी को कष्ट देने लगा, माताजी को भी कष्ट देने लगा, और वो शराबी बन गया, जुआ खेलने लगा, तरह तरह का मांस खाने लगा। और जो व्यक्ति शराबी होते हैं वो देखो चोरी, उन्हें जब पैसा नहीं मिलता चोरी भी करते हैं। तो एक दिन अपनी माँ से बोला, धुंधकारी से, धुंधली से बोला, माँ मेरे को पैसा दो, मेरे को शराब पीना है। बोले बेटा मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोले पैसा दो, एक कुंडल दे दो मेरे को। बोले कुंडल दे दो, पागल है क्या, उसकी कानों की कुंडल लेके चला जाता, कभी उसकी चैन खींच के ले जाता, कभी घर में चोरी करके ले जाता। और उसने क्या किया, पूरे घर में आतंक मचा रखा, सब लोग परेशान, पिताजी भी और माताजी भी। और जो उनकी गाय थी उसकी जो क्या हुआ संत, उसका नाम क्या था, गोकर्ण, वो बड़ा सज्जन बड़ा संत महात्मा। अब एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते करते माँ का सारा सोना खर्च कर दिया, माँ का सारा धन भी खर्च कर दिया। एक दिन माँ से पैसा लेने लगा,
और माँ के पास कुछ भी नहीं था, और माँ को क्या हुआ, माँ को धक्का दे दिया, माँ कुएं में गिर गई, माँ मर गई। और फिर माँ मर गई तो ये चला गया, माँ से पैसा लेता था, माँ भी चली गई, धन भी चला गया। अब एक दिन क्या हुआ, ये वैश्यों के पास जाता था क्योंकि शराब था, नशा करता था आदि आदि। ये धन देता था, वैसा प्रेम करती थी, ये सोचता था कि मेरे को बहुत प्रेम करती है, तो ये चोरी वोरी करके पैसा लाता था। एक दिन क्या हुआ, वैश्यों ने जब इसका पैसा ख़त्म हो गया तो इसको क्या किया, इस लकड़ी, जलती हुई लकड़ी इसके मुंह में, इसको गला घोट के मार दिया और लकड़ी से, जलती हुई लकड़ी से इसको जला दिया। अब कोई ऐसा मरता है ना, जल के मर गया, करंट से मर गया, पानी में डूब के मर गया, सांप ने काट लिया, एक्सीडेंट से मर गया, तो ज़्यादातर प्रेत ही नहीं मिलती है। अब ये क्या बन गया, प्रेत। अभी श्राद्ध चल रहे ना, श्राद्ध चल रहे हैं, इस श्राद्धों में जो बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति है, बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति का भी जिसका कल्याण श्राद्ध से भी नहीं हो रहा, जिसका गया में पिंडदान करने से भी नहीं होता, वो श्रीमद् भागवत कथा में कथा सुनने से क्या होता है, उसके पितृ भी तर जाते, वो भी तर जाते, भागवत की कथा है भागवत में। तो धुंधकारी क्या हुआ, प्रेत बन गया। अब प्रेत बन के बहुत सबको सताने लगा। एक दिन क्या हुआ, अभी तो आत्मदेव तो चले गए भजन करने के लिए, अब गोकर्ण रहते थे, अब ये प्रेत बन के धुंधकारी कभी आता, कभी कुत्ता बन के आ रहा है, कभी बैल बन के आ रहा है, और बहुत परेशान हो रहा है। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनको किसी चीज़ का डर नहीं, भय नहीं, तो गोकर्ण तो भगवान की कथा में मस्त रहते थे। पर इन्होंने देखा, अरे कौन है, उसको पुकारा तो धुंधकारी ने कहा, भैया मैं हूँ, मैं धुंधकारी। बोले तू प्रेत बन गया? बोले हाँ मैं तो प्रेत बना, पर कह तुम्हारा तो मैंने श्राद्ध कर दिया था, गया में मैंने पिंडदान किया। कहते प्रभु मेरा कितना भी, भैया मेरा कितना पिंडदान कर लो, मैंने इतने पाप किए हैं, मेरा कल्याण नहीं होने वाला। तब उन्होंने कहा, भैया मेरे को इस प्रेत योनि से निकालो, मेरे का इसमें मंगल करो, मैं बहुत परेशान हूँ, खाना चाहता हूँ खा नहीं पाता है, देखना चाहता हूँ देख नहीं पाता, कुछ भी तड़ पड़ा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं करता, इसलिए आप मेरा मंगल करो। तब गोकर्ण ने तरह तरह के उपाय किए, उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन कथा का आयोजन किया, और एक बास, क्योंकि प्रेत जो हर जगह नहीं बैठ पाता, प्रेत को यहाँ पर बैठ जाएगा हर जगह नहीं, एक प्रेत को बास पे बिठाया और बास 7 गांठ वाला बास लगाया, 1 दिन कथा सुनाई है, तो पहली गांठ फट गई बास की, दूसरी कथा सुनाई दूसरी गांठ फट गई, तीसरी दिन तीसरी गांठ, 7 दिन में एक एक गांठ। कहते क्या है, विद्यंते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया सीयंते चास्य क्रमणि एवात्म स्वरे। क्या करते हैं, हमारा कर्म बंधन पाप वासनाएं नष्ट होती लगती है भगवान की कथा सुनने से। तो 7 दिन में क्या हुआ, वहाँ से वैकुंठ से रथ आया, और जो पापी व्यक्ति या प्रेत योनि को जो प्राप्त हुआ था, और वहाँ से धुंधकारी को वो वैकुंठ से जो रथ आया वो ले जाने लगा, और भी लोग कथा सुन रहे थे। उन्होंने कहा, अरे ये कथा सिर्फ धुंधकारी नहीं सुनी, धुंधकारी को लेके जा रहा, हमको तो लेके नहीं जा रहा। तो वहाँ पर बताते हैं बड़े बड़े महाजन, हमारे गुरुवर्ग बताते हैं, कथा तो सभी लोग सुनते हैं, कोई कथा सुन रहा है सोते हुए सुन रहा है, कोई बार बार बाहर जाके फ़ोन सुन रहा है, कोई घर घर में चिंता कर रहा है, उसके पिताजी आ गए होंगे कह रहे कहाँ चलेगी आज हैं, कोई कह रहा है घर में जाना है कब प्रभु जी माइक छोड़ेंगे, तो तरह तरह के से लोग कथा सुन रहे हैं ना। परंतु धुंधकारी ने कथा कैसे सुनी, प्राण उसके पखेरे उड़ रहे थे कि मेरा कल्याण कैसे हो। परीक्षित महाराज ने कैसे कथा सुनी, 7 दिन पानी भी नहीं पिया। अभी महाराज जी भागवत में सुनाएंगे कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा में क्या है, हो सके तो ऐसा सुनो कि पानी भी ना पिए, पर ऐसा संभव नहीं है। तो क्या अगर घी पी के कथा सुनो, ऐसा भी संभव नहीं है। तो फल एक टाइम खा के कथा सुनो, वो भी नहीं है, तो कम से कम 3 टाइम खाओ, पर कथा सुनो, ध्यान से कथा में बैठो और कथा को सुनो 7 दिन तक, ज़्यादा समय नहीं देना 7 दिन तक। तो इसने क्या कथा सुनी है, 7 दिन तक कथा सुनी है, बैकुंठ से विमान आया, तुम लोगों ने ऐसी कथा नहीं सुनी है। और भी हैं इसके 4 गुण, महाराज जी बताएंगे कि कैसे गुरु वाक्य में विश्वास होना चाहिए, कैसे निश्चितता होनी चाहिए। मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ, और आप लोगों से प्रार्थना है इस कथा को रोज़ सुनना, रोज़ कम से कम, आज पहला दिन है, 6 दिन और है,
आप देखोगे छत कितनी हरी भरी, यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है। 7 दिन के बाद आके बैठना है, बैठ भी नहीं पाओगे। क्या ना कि संतों की कथा में क्या अमृत है, क्या यहाँ पर आनंद बरसने वाला है आगे आगे, और इस घर का कितना मंगल होने वाला है, ये हमको जो सुनने वाले श्रोताओं का कितना मंगल होने वाला है अभी ये हमें पता नहीं, ये धीरे धीरे करके पता लगेगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, गुरु महाराज की। गौर प्रेमानंद और 5 मिनट बैठ जाए, उसके बाद में कथा के विश्राम आरती करे, आप लोग सब प्रसाद लेके जाना, ठीक है। जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनाई, लेकिन एक ही रथ आया, सभी के लिए रथ नहीं आए। बोले देखो ये धुंधुकारी ने जैसे कथा सुनी है, तुम लोग ऐसे मन लगा कर कोई कथा नहीं सुन। बोले कथा कैसे सुनानी चाहिए, एक श्लोक में बताए। बोले विश्वास गुरु वाक्यसु स्वस्मिन् दीनत्व भावनम् मान दोष दयस्ते स्थाम कथाया मुनिश्चलांगत। कथा अगर ऐसे सुनोगे तो कल्याण होगा। पहला नंबर है विश्वास गुरु वाक्यसु, जो गुरु जी की जो वाक्य, शास्त्र की जो वाक्य, पुराण की जो वाक्य को विश्वास करके सुनो। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, सिनेमा को हम विश्वास करते हैं, हीरो हीरोइन को हम विश्वास करते हैं, हैं? जो उल्टा पुल्टा करके लिख दिया सिनेमा क्या है, झूठ मूठ चीज का एक रूपक दे दिया। आप देखना वहाँ पे 3-3 घंटा बैठे आप हार खा कर देखेंगे, लेकिन भागवत में 1-2 घंटा मन नहीं लगता। बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए कहते भैया आप पहले शास्त्र में विश्वास करो, गीता भागवत के ऊपर विश्वास करो। कद धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, गीता किसने सुनाई, कृष्ण स्वयं गीता को सुनाई। भागवत किसने लिखी, वेद व्यास भगवान नारायण स्वयं ग्रंथ को लिखी। लेकिन उसमें ही हमारा विश्वास नहीं, विश्वास उल्टा पुल्टा चीजों में हम विश्वास करके बैठते हैं। इसलिए पहला नंबर विश्वास गुरु वाक्य सो। बोले स्वस्मिन् दीनत्व भावनम्, कथा कैसे सुना, बोले अहंकार अभिमान से नहीं, दीनहीन होकर के सुना। हम भगवान के संतों का सेवक है। और मन कथा सुना कैसे, एक मन से कथा सुना है, बहु मन से नहीं, एक मन से अगर कथा सुनेंगे ना, जैसे धुंधुकारी के लिए रथ आया, हम सबके लिए भी एक एक रथ आएगा। अगर सचमुच से रथ आ जाएगा, अब जाओगे भगवान का धाम को कौन पर जाएगा हाथ उठाओ, तो सभी के लिए एक ही रथ आएगा, जाओगे सबके साथ, सब झूठ बोल रहे थे। रथ अगर सचमुच से आ गया ना, सब भाग जाएंगे यहाँ से। बोले अगर अगर चले जाएगी, पति को रोटी को नहीं खिलाएगा, अभी बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा अभी छोटा है, इसलिए कोई चिंता मत करो। अब भगवान की भक्ति जहाँ पर करता ना, जिस घर में प्रभु की भजन हो, वही वृंदावन धाम है। इसलिए कहते जो श्रोता हैं, दो तरह के श्रोता, ध्यान देकर सुना, कहते एक श्रेष्ठ श्रोता और एक साधारण श्रोता। कहते जो अच्छे श्रोता कहते 4 तरह के, कितने तरह के हैं, जोर से बोलो, यह कथा में फट चुपचाप बैठे हो। इसलिए 4 तरह के अच्छे श्रोता, अच्छे तरह से सुना। पहला नंबर हंस, जैसे हंसों को आप दूध दो, देखना हंसों तो दूध दूध को पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। हमें कैसे श्रोता होनी चाहिए, जीवन में अच्छे अच्छे चीज को ग्रहण करो और गंदी गंदी चीज को छोड़ो। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, एक है मक्खी और एक है मधुमक्खी। बताओ मक्खी कहाँ बैठती है, गंदी चीज में बैठेगा, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फूलों में। भले कांटा के वृक्ष में फूल कहीं नहीं हो, देखना मधुमक्खी वहाँ भी बैठ करके शहद को लेकर के सुंदर एक छटा बना देती है, जो कृष्ण की सेवा में लगता है। इसलिए हमें मक्खी नहीं होकर कथा नहीं सुने, मधुमक्खी बनकर कथा सुनो, अच्छे चीज को ग्रहण करो। तीसरा नंबर है मछली, मछली को देखना उनको आंखों का पलक कभी नहीं झपकती है, वो एकदम खुली हुई पलक रखती है और वो खीर समुद्र में खीर दूध को पान करती है। कथा कैसे सुना, टकटक लगा करके एक मन से, हैं? मन को इधर उधर नहीं घुमानी चाहिए। चौथा नंबर है तोता, आप देखना जो तोता है उसका एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, वो केवल पक्का फल में ही चोंच मारेगा। मतलब क्या, मुँह जहाँ तक नहीं मारनी चाहिए, मुँह केवल भगवान की प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवत कथा में मुँह लगाओ, जहाँ तक मुँह नहीं मारनी चाहिए।
जहाँ चुगली निंदा हो वहाँ पर हम नहीं बैठनी चाहिए, वहीं पर बैठो जहाँ पर ठाकुर जी की कथा हो। कहते ये चार तरह का तो अच्छे श्रोता और चार तरह का घटिया श्रोता। पहला नंबर है भुरुण, ये एक चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत गोबर में। ये चिड़िया की एक विशेषत्व है, आप जैसे इसको सुनाओगे ना वो ठीक वैसे आपको सुना देगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा, लेकिन वो करते समय से वो उल्टा करेगा। जीवन में एक अक्षर को पाल नहीं करेगा। दूसरा नंबर ऊंट, ऊंट देखे होंगे, ऊंट को कोई कोमल कोमल अच्छे अच्छे कोई पत्ता तो ना नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबलू का पेड़ कहाँ पर, वो कट्टा काटा पेड़ खाएगा। इसका मतलब है क्या? बोले भगवान की मीठी मीठी प्यारी प्यारी कथा में जिनको रुचि नहीं, कहाँ पर रुचि है? बोले कांटा, मतलब जहाँ पर किसी चुगली हो, निंदा हो, बुराई हो, वहीं पर जाकर बैठ गई, भगवान की कथा में नहीं बैठेगी। तीसरा नंबर बेल, अब बेल को आप भूसा दो नहीं तो मीठी मीठी फल दे दो, उसमें कुछ फर्क नहीं मानता है, वो दोनों उसी के लिए बराबर, मतलब ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कोई की बात हो, वो सब जगह पर बैठ कर कथा सुनना शुरू कर दिया। बोले नहीं, भगवान की दुर्लभ जीवन दिया, 84 लाख जन्म के बाद में ठाकुर जी दो ही कान दिए जिससे हम कथा सुन सकते हैं, बताओ इंसान के सिवाय कोई कथा सुन सकता है? कोई आकर सत्संग में बैठेगा? अगर जैसे हमारे माता जी घर में कथा हो रही है, अगर एक कुत्ते सुअर को इच्छा हो, अरे कथा हो रही है चलो हम थोड़ा कथा सुन करके आए, अगर गेट को पास में आए जाएंगे ना डंडा लेकर मारेंगे उसको, घुसने देंगे सुअर को, मतलब ये मानव शरीर के सिवाय और किसी जीवन में बैठ कर कोई सत्संग भी नहीं सुन सकते, केवल इंसान ही सुन सकता है, है? इसलिए चौथा नंबर है भेड़िया। भेड़िया मतलब इसको ध्यान से सुनो, भेड़िया मतलब होता है वो छोटे जाति का बाघ होता है। वो क्या करता है, जब हिरण कोई सुली सुंदर शब्द सुने वो एकदम मुग्ध हो जाती है, कान खड़े करके हिरण सुनती है, वो भेड़िया उसी समय में उसको पर आक्रमण करेगा। मतलब क्या है, जब ऐसे कुछ श्रोता लोग हैं जब कोई व्यक्ति एक मन से बैठ कर कथा सुने, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं खुद तो कथा सुनेंगे नहीं और पास में जो बैठ करके सुनते उसको भी सुनाने नहीं देंगे, उसमें सुनाने नहीं देंगे बिना कारण, तेरे घर में कुआ आता तुमने सुना है, उसको बहुत सास में किसी लड़ाई लग रही है, तुमने सुनी उसको छोरी कहाँ चली गई, बिना कारण के बैठी बैठी करके जो चुगली उल्टा पुल्टा बात करने लग जाएगा, नहीं। इसलिए ये भागवत कथा मन से सुननी चाहिए। कहते भागवत कथा चार तरह के हैं, कितने तरह के हैं? एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक, एक निर्गुण। सात्विक कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना दो महीना कथा सुने उसके बाद में कथा से कोई मतलब नहीं। राजसिक कथा किसको कहते हैं, जैसे कथा की व्यवस्था किया, सबको बुलाया, भैया भागवत कथा हो रही है आओ कथा सुनो, लेकिन खुद कथा बैठ कर नहीं सुनते हैं, हैं? केवल व्यवस्था व्यवस्था में जो संबंध समय को बिताते हैं। नियम होता है स्वयं कथा में बैठ करके एक मन से कथा को सुननी चाहिए। तामसिक कथा किसको कहते हैं, जैसे सात दिन तक कथा हुई कभी बीच में आए, नहीं तो कथा जब समाप्त होने के लिए तभी आए, नहीं तो मन लगा नहीं एक चक्कर घूम करके आ गए, किसी तरह से सात दिन किसी तरह से बिताना, ये तामसिक कथा, ये एकदम कथा नहीं। नियम है एक मन से कथा सुननी चाहिए। बोले सही कथा किया है, निर्गुण कथा किया है, बोले जो अपना जीवन को ही कथा बना दे, नियम करके रोज वो भागवत पढ़े, नहीं तो भगवत गीता पढ़े, नहीं तो घर में रामायण पढ़े। तब जिस घर में ये भागवत पढ़ाई होता है, कहते एक श्लोक भी हो आधी श्लोक हो, आधी से आधी श्लोक अगर किसी घर में पढ़ाई हो ना, कहते उसको घर में बांके बिहारी राधा रानी को साथ में निवास करते, वो घर तीर्थमय हो जाता है। जिस घर में रामायण पाठ हो स्वयं राम रहते हैं, जिस घर में भगवत गीता और भागवत हो साक्षात जुगल सरकार की विद्यमान होता है। नियम है रोज नियम करके क्या करो, भगवान की गीता हो रामायण हो भागवत हो नियम करके अपना घर में पढ़ाई होने पर वो घर साक्षात भगवान की धाम बन जाती है। इसलिए अपना जीवन को ही भागवत बना देनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राम।
लीजिए, भजन गा लो, आरती को तैयारी करो। और देखो आप लोग चार से, हम कोशिश करेंगे चार से लेकर सात तक कथा करने के लिए, और नियम से आना, और एक एक भक्त कम से कम 10-10 भक्तों को साथ में लेकर के आना कल, ठीक है? लाओगे कि नहीं? अड़ोसी पड़ोसी को सबको बुला करके ले आ रहे हैं, और टाइम से आना, ठीक है ना? सबके सब टाइम से आओ, फिर हम टाइम से विश्राम दे देंगे, फिर टाइम से आप लोग प्रसाद बांट लेना। ठीक है, भागवत कथा में जो नाचता है ना, उसको दुख रूपी संसार में नाचना नहीं पड़ता है, और 84 लाख दिन में नाचना खत्म है, जो भागवत कथा में नाच लीजिए। बोलो सब रे रसिया से हो गई अपनी यारी, सब रे रसिया से हो गई यारी, जब या कोई सब लगे लागे, कोई गया भी हम बारिश आवे।
बालक को खिलाए सखी रने नारा गाए
भागवत कथा मृतम विजय श्रवण गरि भक्त नृत्य विजय गौर परमानंद हरे कृष्ण हरि बोल।